क्या आप ज्योतिषी के भरोसे चुनाव जीते जाएंगे? सर 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 एक सेकंड, बहुत सारे सवाल हो गए हैं, अनिल भरोसा को आने दीजिए। एक चोरी एक सेकंड, एक सेकंड वापस आ रहे ना, आ रहे ना वापस आ रहे हैं। सर ध्यान रखिए, ध्यान रखिए थोड़ा सा, समझे? एक ही परिवार के 119 लोग, बुआ भी, ताऊ भी, फूफा भी, बेटा भी, भतीजा भी सरकार में शामिल। इतनी बड़ी उपलब्धि किसी सरकार की है? एक सेकंड, एक मिनट साहब, एक सेकंड, अनिल गोयल साहब, एक सेकंड कठेरिया साहब, एक सेकंड, एक सेकंड कठेरिया साहब, एक परिवार साहब, एक रिश्तेदार के 119 लोग कौन सी सरकार के सरकारी पदों पे थे? मंत्री, विधायक, कोई नगर पंचायत, कोई नगर पंचायत का लाठी लेके सरकारें गिरा रहे सरकार बचाइए, किसी ने रोका है क्या? प्रस्ताव किया। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एक मिश्रा साहब हमारे साथ में इस वक्त हैं, आपका भी स्वागत है। आप जो एक मिश्रा करेगी और 100% जो वादे करके बीजेपी आई थी वो इस बार तो बिल्कुल सत्ता में नहीं आएगी और कांग्रेस का भविष्य उज्जवल। ठीक है, ठीक है। आपको लगता है कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सपा का भविष्य उज्जवल है, और उधर बीएसपी को लगता है उसका भविष्य उज्जवल है, उधर चंद्रशेखर आजाद भी आ रहे करे साहब अब सबको हटाओ, अब हमारा भविष्य उज्जवल है। मगर एके मिश्रा साहब, जो ज्योतिष विद्या है, क्या राजनीतिक गलियारों से जो आवाज निकलती है और जो ज्योतिषी जिस बात की भविष्यवाणी करते हैं उसका कोई आधार होता है, या फिर उनका हिसाब क्या होता है भविष्यवाणी करना से, मौजूदा हालात को देख करके वो बोलते हैं और वो भविष्यवाणियां तो दोनों तरह से सामने आती है, कभी फेल कभी पास? देखिए, फेल और पास होना ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ज्योतिष जो है अगर सही तरीके से किया जाए तो है तो पूरा गणितीय कैलकुलेशन। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पंचांग उठा के देख लीजिए, उसमें सारे के सारे अंक ही लिखे होते हैं, गणित का ही ये पूरा काम है। तो ये भी एक साइंटिस्ट, एक साइंस है। ज्योतिषी ने जो बताया वो सही या गलत हो जाए ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि कितनी एक्सपर्टाइज उसको है, कितना माइक्रो लेवल पे उसने कैलकुलेशन किया है। ये ठीक ऐसे ही है कि अगर आप कार चला रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें कार बनाने वाली कंपनी का तो कोई फॉल्ट नहीं है ना, फॉल्ट तो है ड्राइवर का। तो ये एक चीज़ होती है। रही बात ज्योतिष का यूज प्रयोग में अगर देखा जाए तो बहुत एंशियंट टाइम से हो रहा है, राजा महाराजा से लेके, और हर देश में अभी भी होता है। कहीं पे भी चुनाव होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, छोटे से लेके बड़े नेता तक, आम जन जीवन में भी आप चाहे मानिए या ना मानिए, हर आदमी का विचार एक बार जरूर जाता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलके इस समस्या का समाधान लिया जाए। क्योंकि समस्या का समाधान करने की जितनी विधाएं हैं, जितने ब्रांचेस हैं, जितने साइंस के स्ट्रीम है, उतना ही उसमें एस्ट्रोलॉजी भी एक ऐसी विधा है, एक ऐसी विचारधारा है, एक तरीका है जो मानव को उसकी समस्याओं का समाधान देता है। इसी कारण सारे एस्ट्रोलॉजर, सारे पॉलिटिकल पार्टियां, नेता इसको यूज करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। रही बात अखिलेश यादव ने जो यूज किया है, एक चीज मैं यहां सुन रहा था कि सारी पार्टियां आशान्वित हैं अपनी अपनी जीत को लेकर के। मैं ये एक बहुत अच्छी चीज मानता हूं, आशा ही तो जीवन है। अब पार्टियां आशान्वित ना हो तो फिर क्या हो, क्या निराश हो जाएं और छोड़ दें पॉलिटिक्स? अगर सारी पार्टियां आशान्वित हैं तो मैं सबको बधाई देता हूं, अच्छी चीज है। और उसके बाद सारी पार्टियां हर तरीके अपनाती हैं एस्ट्रोलॉजर से। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, क्या फेसबुक का प्रयोग करने से चुनाव जीता जा सकता है, क्या भाषण देने से चुनाव जीता जा सकता है, क्या रैली करने से चुनाव जीता जा सकता है, क्या कोई वादा करने से, ऐसे ही एक क्वेश्चन और, क्या ज्योतिषी से चुनाव जीता जा सकता है? हाँ, अगर हर एक का फैक्टर है, हर एक का कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल रिजल्ट में, तो कम या ज्यादा एक एस्ट्रोलॉजी का भी फैक्टर है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ज्योतिषी की ये भविष्यवाणी और उस परिपेक्ष में मौजूदा हालात उत्तर प्रदेश के और उसमें समाजवादी पार्टी जहां खड़ी है, उससे 2022 के चुनावी नतीजों में इन हालात को ला पाना, आपको लगता है कि हाँ एक ट्रैक दिख रहा है सपा का? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, कुछ भी असंभव नहीं है, वो भी भारतीय पॉलिटिक्स में। देखिए यहाँ पे आप ये देखिए, जो चीजें हमें संभव दिख रही थी वो एकदम असंभव हो गई। एक साल दो साल के मेहनत में दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बन गई, जो कि कभी मतलब अनएक्सपेक्टेड था, कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा आज के 5-7 साल पहले कि ऐसा भी होगा।
ऐसे तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं भारतीय पॉलिटिक्स में। श्रीमती इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई, हारने के ठीक बाद बहुत भारी बहुमत से वो वापस आई। आप ये देखिए बीजेपी वाले बोलते हैं कहां इनकी दो सीटें हुआ करती थी जो बिल्कुल असंभव था, पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार बनी। लेकिन मिश्रा साहब वही है कि 200 से लेकर 300+ तक पहुंचना या 200 से लेकर 80-82 तक जाना अगले चुनाव में, उसके पीछे तो कड़ी मेहनत, एफर्ट, जनता के बीच में, रोड पर लोगों के बीच में रहना, वो कड़ी मेहनत और एफर्ट आपको दिख रहा है, वो रणनीति दिख रही है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति लिया जाए तो विकल्प क्या है? अगर बीजेपी की सरकार है तो जनता किसको सिलेक्ट कर सकती है? जनता सिलेक्ट करेगी सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, बाकी जो नए खिलाड़ी आए हुए हैं उनके भी अपने छोटे छोटे रोल हैं, कोई बहुत ज्यादा ग्रो भी कर सकता है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि समाजवादी पार्टी, बसपा वगैरह ये एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है यूपी के पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल फील्ड का, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है ये एक्टिव हो जाए, कुछ ऐसा कर दें, कुछ ऐसा जनता का मन बदल जाए। सारी पार्टियों के लिए मैं अभी ये मानता हूं कि बराबर की उम्मीद है और उसी उम्मीद पे कायम रहना चाहिए, सारी पार्टियों को तन मन धन से काम करना चाहिए। मगर एके मिश्रा साहब, क्या अगर अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव दोनों मिलकर के चुनावी मैदान में आते हैं, भले कुछ दौर दूसरी पार्टियां इनके साथ में आ जाए, तो क्या ये एक मजबूती की तरफ समाजवादी पार्टी के बढ़ने के लिए एक संकेत होगा? और ऐसा फिलहाल तो लग रहा है। नहीं बिल्कुल, देखिए हम आपको बताएं, शुरू में भी जब ये लोग अलग हुए थे तो हमने बोला था कि इनका जो है अलगाव बहुत दिनों का हो सकता है ना हो, उसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं। दोनों के लक्ष्य एक हैं और दोनों को लग रहा है कि एक साइकिल का आगे वाला पहिया और पीछे वाला पहिया, तो तभी साइकिल चलेगी। जिस हिसाब से ये लोग मिल रहे हैं, इनको मैं समझता हूं अगर राजनीति में अस्तित्व बचाना है, चुनाव जीतना है, मजबूती देनी है, तो इनको एक होना चाहिए। और इनके एक होने पे जबरदस्त फर्क पड़ेगा, जो अभी चुनावी कंडीशन हुई है समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव के नेतृत्व में, डेफिनेटली वो चीजें चेंज हो सकती है। बहुत बड़ी ताकत के पूरक हैं दोनों एक दूसरे, बिना शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, जो मैं मानता हूं। तो डॉक्टर सुनील कौशिक साहब की बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं कि एक तरफ बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा एक मतभेद पार्टी के अंदर थोड़ा सा बिखराव जरूर देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ आपको लगता है या फिर ये वक्ती चीजें हैं जो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है? देखिए ये वक्त के कारण ही पैदा होती है। शुरू में जब आप कमजोर होते हैं तो आप बहुत यूनाइटेड होते हैं, जब आप राज करने लगते हैं, आपको सत्ता मिल जाती है, तो बिखराव होना, मनमुटाव होना जरूरी है। जरूरी क्या मतलब, एक नैसर्गिक चीज होता है। कोई बोलेगा हमें मंत्रालय नहीं मिला, कोई बोलेगा हमें ये नहीं मिला, हमारे मन से ये नहीं हुआ, हमारा काम नहीं हो रहा है, तो ये बट नेचुरल है। कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके आती है, जब आप जीतते हैं तो कुछ चैलेंजेस भी लेके आते हैं जिसके कारण कुछ न कुछ बिखराव होता है। ठीक, बड़ी जमीन वाला नहीं है, छोटा सा छोटे छोटे किसान भी है। बहुत सारे प्रोविजन हुए हैं सर, किसानों के लिए ये भी प्रोविजन हुआ, काम करते हुए सांप बिच्छू के काट लेने से अगर मृत्यु हो जाएगी तो उसका भी शायद गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस किया, 5 लाख का। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविजन आए हैं। दूसरा इंद्रजीत जी, केवल इंद्रजीत जी सुनो, एक मेरा सवाल है, आप क्या चाहते हैं? किसान की उपज का डबल करने की बात आई थी, कहां हुए आज? बार-बार उनको गोदाम पर नहीं, आपने पूछा प्रोविजन की बात की है, आपने पूछा प्रोविजन की बात की है। मैं बोलता हूँ दुर्दशा तो यही है कि 70 साल से सरकारें आई और गई और किसानों की हालत वही रह गई। आप सीनियर किसान के नेता, आपके नेता बनते हैं किसान के नेता, आप तो सुधार नहीं पाए। मिश्रा जी आप बड़े पत्रकार हैं, मुझे एक बात बताइए, अभी बजट के अंदर इन्होंने घोषणा करी थी कि कितने स्टोरेज बनाए जाएंगे, कितने वेयर हाउस बनाए जाएंगे, कितने बनाए गए हैं आज तक? नहीं देखिए इसमें क्या आप क्या चाहते हैं कि एक दस साल तक मिश्र जी केंद्र में रहे हैं, स्वामी क्रमशः जो है सरकार, मैं सभी की अगर जमीन जाएगी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन क्रमशः विकास हो रहा है। रही बात किसानों की स्थिति सुधारने की, मैं बात कर रहा हूँ, ये एक किसान ये ऐसी इसको कोई सरकार अभी एड्रेस नहीं कर पा रही है। ठीक है, जाहिर तौर पर ठीक है मैं अरविंद कठेरिया जी, ठीक है अजय सिंह ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई किसानों का दौरा, अरे उनके बेटे की बात ले लो, अरे पुत्र मधु की बात ले लो, कोई दौरा की उम्र में, अरे बात किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बात यह है कि पार्टी की तरफ से कोई आंदोलन चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा है। कि मेरी उम्र हो गई है, मैं कोई राजनीतिक पद नहीं लूंगा। आप तो करवाएंगे,
चौधरी अजीत जी, अजीत सिंह जी पॉलिटिक्स में कोई पद नहीं लेंगे, चाहे उनकी पार्टी जीत जाए उनके कारण। ठीक है चौधरी, अपनी पार्टी की कारनामों को बहुत अच्छे तरीके से मिश्रा जी, ये जर्नलिस्ट बोलिए या तो आप कह दीजिए आप सर, सर देखिए जल्द से नहीं बोलेगा, दोनों जल्द से नहीं बोलेगा, यहाँ पर जवाब नहीं कर सकता है, जो उनकी सोच है वो बता रहे, जो देख रहे हो बता रहे, ठीक है। आज क्यों बंद कर एक सेकंड सर, घोटाले देखिए आपने, घोटाले देखिए आपने, उसमें बहुत सारे सवाल हो गए, अनिल गोयल साहब को आने दीजिए, एक चोरी एक सेकंड, एक सेकंड वापस आ रहे हैं ना, आ रहे हैं वापस आ रहे हैं सर, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए थोड़ा सा, समझे, एक ही परिवार के 119 लोग, बुआ भी, ताऊ भी, फूफा भी, बेटा भी, भतीजा भी सरकार में शामिल, इतनी बड़ी उपलब्धि किसी सरकार की है? एक सेकंड, एक मिनट साहब, एक सेकंड, अनिल गोयल साहब बंद कियो, एक सेकंड कठेरिया साहब, एक सेकंड, एक सेकंड कठेरिया साहब, एक परिवार एक रिश्तेदार के 119 लोग कौन सी सरकार के सरकारी पदों पे थे, मंत्री विधायक, कोई नगर पंचायत, कोई नगर पंचायत का लाठी लेके सरकारें गिरा रहे सरकार बचाइए किसी ने रोका है क्या? प्रस्ताव किया यहाँ तक, अपना सरकार बचाइए, अगर आप सरकार बना सकते हैं बीजेपी के प्रवक्ता को तो आप लोग आसान, आप सवाल किससे कर रहे हैं, आप पत्रकारों से सवाल कर रहे हैं, मौजूदा वक्त में जो सरकार है उनसे आप जवाब, बिल्कुल खत्म है। एक मिश्रा साहब एक रिमांक, अब क्या अब ये मान के चला जाए कि कुछ नया बदलाव, नई दिशा देखने को मिलेगी समाजवादी पार्टी की आगे आने वाले दिनों में? बिल्कुल मिलेगी, केवल समाजवादी पार्टी नहीं, बदलते समय के हिसाब से काफी ट्रायल इन लोगों ने कर लिए हैं, अब ये इनको भी समझ में आ गई है और एडॉप्ट करेंगे नई पॉलिसीज को, ताकि चुनावों में जीत को हासिल किया जा सके, बेहतर प्रदर्शन, सारी पार्टियां बदलाव करेंगी। चलिए बहुत शुक्रिया।